नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल अप्रेंटिसशिप बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में न्यू रिक्रूटमेंट ITI अप्रेंटिसशिप के बारे में। किस तरह जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है, नोटिफिकेशन के जरिए जो है हम उसका सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस, सारा जानकारी जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/2/2020 को 16:45 बजे तक है। इसमें जो है 44वां बैच एक्ट अप्रेंटिसशिप 2020, अप्रेंटिस एक्ट 1961, 44वां बैच ITI एंड नॉन ITI के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ITI के लिए 300 एंड नॉन ITI के लिए 74 सीट के लिए रेलवे बोर्ड ने रिक्वायरमेंट जो है निकाली है, जिसमें रिक्तियां ITI एंड नॉन ITI का विवरण, ITI रिक्तियों का विवरण जो है यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे कुल जो है ITI वाले लोग के लिए यहाँ पे 300 पोस्ट है और नॉन ITI वाले लोग के लिए जो है यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है और यहाँ पे कुल 74 पोस्ट दिया हुआ है। नॉन ITI में ITI जो अभ्यर्थी नहीं किए हैं वे लोग भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ITI वाले ही अप्रेंटिसशिप करें, यहाँ नॉन ITI वाले लोग के लिए भी जो है रिक्वायरमेंट आउट किया गया है। यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण से पूर्व RDAT की वेबसाइट www.apprenticeship.government.in पर पंजीकरण कर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। यह जो है नए पोर्टल पे जो है apprenticeshipindia.org पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पे शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का विवरण, यहाँ पे नॉन ITI के लिए जो है 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यता अधिसूचना होने की तिथि 15/1/2021 से पहले अवश्य होने चाहिए। साथ ही इसमें ITI सीटों के लिए मेट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा में 50% अंक या उससे अधिक अंकों के साथ तथा ITI के संबंधित ट्रेडों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि 15/1/2021 से पहले होनी चाहिए। यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे जो है नॉन ITI वालों के लिए 10वीं तथा ITI वालों के लिए 10वीं तथा ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ ही यहाँ पे जो है 10वीं में नॉन ITI और ITI दोनों अभ्यर्थियों के लिए जो है 10वीं में 50% होना आवश्यक है। जिनका 50% नहीं है कृपया उनसे अनुरोध है कि वे आवेदन ना करें, क्योंकि जो है आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 50% अनिवार्य है, अवश्य होना चाहिए। आवेदकों का जो आयु सीमा जो है नॉन ITI वालों के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 22 वर्ष से अधिक का न हो। साथ ही यहाँ पे ITI वालों के लिए 15 वर्ष की आयु से 24 वर्ष के आयु तक वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। वेल्डर, ट्रेड और कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष से 22 वर्ष की होगी। साथ ही यहां पे आयु सीमा में छूट का भी उल्लेख किया गया है। चयन का आधार जो है आप लोग का मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार न्यूनतम 50% पर मेरिट से अभ्यर्थियों के उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। नॉन ITI चयन में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें ITI के प्राप्त अंकों का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट जो है आपका 10वीं और ITI के परसेंट के आधार पे जो है चयन किया जाएगा और जो नॉन ITI वाले हैं उन लोगों का 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पे जो है चयन का आधार माना जाएगा। प्रशिक्षण जो है यहाँ पे 1 वर्ष का आपका होगा। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के उपरांत जो है आपको वहाँ से जो है निकाल दिया जाएगा।
साथ ही यहाँ पे आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश दिया हुआ है। एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकता है, तो भली भांति सोच समझकर ऑनलाइन आवेदन करें। दोनों ITI एवं नॉन ITI में आवेदन करने पर आपकी उम्मीदवारी दोनों में निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ पे आवेदन जो है आप ITI बेस पे कर सकते हैं या नॉन ITI बेस पे कर सकते हैं, किन्हीं दोनों में से एक का ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का माध्यम जो है आपको ₹100 पे करना है और उम्मीदवार जो है 17/2/2021 16:45 बजे तक पंजीकरण ऑनलाइन सुविधा की अनुमति है। आप यहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यहां पे जो है आवेदन शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें कोई फीस भुगतान नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/2/2021 है। यहाँ पे जो है फोटोग्राफ से संबंधित जो है एक निर्देश दिया गया है। उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ JPG इमेज जिसका साइज 20 से 50 KB का होना चाहिए अपलोड करना है। दोस्तों इस तरह जो है नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें थी मैंने बता दिया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो मैं यह नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन एरिया में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें, उसके बाद ही आप लोग जो है आवेदन करें। तो इस तरह हम लोग अब ऑनलाइन आवेदन करके स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको आवेदन करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह के आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऑनलाइन आवेदन किस तरह का करना होता है यह जानकारी जो है आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। यह ऑनलाइन आवेदन करने का ऑफिशियल साइट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी UP। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू यूजर और यहाँ पे जो है एग्जिटिंग यूजर, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें जो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट का भी उल्लेख किया गया है। नोटिफिकेशन जो है 15/1/2021 को रिलीज किया गया था। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 15/2/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 17/2/2021 तक कर सकते हैं। शायद यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप लोग यहाँ गाइडलाइंस भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है न्यू यूजर वाले जो है यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको आवेदन के प्रकार में ITI नॉन ITI इन दोनों में से किसी एक का चयन करना है। आप दोनों के लिए जो है आवेदन नहीं कर सकते। यदि ITI बेस से कर रहे हैं तो नॉन ITI पे नहीं कर सकते और नॉन ITI के बेस पे कर रहे हैं तो ITI बेस पे नहीं कर सकते, किसी एक पे ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है ITI बेस नॉन ITI का चयन करना है। नॉन ITI का यदि आप चयन करते हैं तो आपको अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है और साथ ही अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। यहाँ पे लिंक सिलेक्शन करना है, समुदाय सिलेक्शन करना है, उसके बाद जो है आपको भूतपूर्व सैनिक हैं यस या नो उसका चयन करना है, दिव्यांग हैं तो यस या नो का क्लिक करना है, आपको जन्मतिथि यहाँ पे एंटर करना है, साथ ही यहाँ पे चेक फॉर एबिलिटी, चेक एजिबिलिटी पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करें जो आपका वैलिड एंड एक्टिव हो। किसी ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग ना करें जो आप यूज ना करते हो। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में 10वीं बोर्ड का चयन करना है, उत्तीर्ण वर्ष, ग्रेड सिस्टम है या नहीं है, यस या नो का क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड को एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन चेकबॉक्स को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है, यह आपको फिलअप करके मैं बता रहा हूँ। इस तरह से जब आप यहाँ समुदाय का चयन यदि आप करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, क्या आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास है तो यहाँ पे जो है आपको आगे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड वाले भाग में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता वाले भाग में 10वीं बोर्ड का चयन करने के बाद उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक, ग्रेड सिस्टम यस या नो है उस पर क्लिक करना है।
उसके बाद जो है आपको नो पे चयन करते हैं तो टोटल मार्क्स और प्रिंट मार्क्स, उसके बाद आपका प्राप्त प्रतिशत यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड को एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले जो है आपके पास इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा। एक बार आप अपने डेटा को चेक कर लें, चेक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर लें। उसके बाद आपके सामने जो है इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा जिसमें आपको यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट योर कंट्रोल नंबर ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। आपको जो है यह जो है कंट्रोल नंबर लिख लेना है या आपको स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ खींच के आपके पास रख लेना है। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको दो ऑप्शन प्रिंट और होम बटन दिखाई देगा जिसमें आपको प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हैं। आपको होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको फिर से उसके होम पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको जो है साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कंट्रोल नंबर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करना है। दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास कंट्रोल नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर, आपने जो ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मेल आईडी दिए थे उस पे जो है आपको कंट्रोल नंबर और मोबाइल नंबर जो है मेल और मैसेज के थ्रू मिला होगा, वह आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद जो है आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। फीस जमा करने ते समय आपका कंट्रोल नंबर सावधानीपूर्वक भरें। सफलतापूर्वक फीस का भुगतान करने के पश्चात अगले दिन दोपहर में 2 बजे के बाद ही दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं, कृपया ध्यान रखें। तो इस प्रकार जो है अभी आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे और पेमेंट करने के एक दिन बाद जो है आपको 2 बजे के बाद दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भुगतान का विवरण जो है 100 रुपये, ट्रांजेक्शन आई डी, ट्रांजेक्शन डेट ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको पहले पे करना है। तो यहाँ पे जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट गेटवे जो है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको चेक बॉक्स को एक्टिव करना है, उसके बाद प्रोसेसर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट कैटेगरी में जो है BLW एक्ट अप्रेंटिसशिप क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही कंट्रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, साथ ही यहाँ पे रिमार्क्स में डिटेल्स है बीन वेरीफाइड या थैंक यू यहाँ पे टाइप करके जो है आपको यहाँ पे, उसके साथ ही यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंटर द टेक्स्ट एंड सो ये जो कैप्चर कोड है उसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका पेमेंट जो है हो जाएगा। पेमेंट होने के एक दिन बाद जो है आपको दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से पेमेंट करने के बाद जब आप फिर से लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको एड्रेस फिल करना है और इस परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इसको चेक बॉक्स को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद दस्तावेज अपलोड ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हाई स्कूल, ITI, फाइनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे जो है फोटोग्राफ का साइज जो है 15 KB से 50 KB के अंदर का होना चाहिए। हस्ताक्षर का भी 5 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। हाई स्कूल और ITI मार्कशीट जो है आपको 100 KB से 200 KB के बीच का साइज बनाना है। साइज बनाने वाला वीडियो जो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डॉक्यूमेंट को स्कैन और साइज बनाना आसानी से सीख सकते हैं। और साथ ही यहां पे जो है जाति प्रमाण पत्र का भी 100 से 200 के बीच का साइज होना चाहिए। 100 KB से कम का नहीं होना चाहिए, 100 से अधिक और 200 KB से कम होना चाहिए। और उसके बाद ये यहाँ पे कैप्चर कोड को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। पेमेंट ऑप्शन जो है OBC जनरल वाले लोग को आएगा, जो ST SC कैटेगरी वाले हैं उनको फीस पेमेंट नहीं करना है, उनको जो है डायरेक्ट
कंट्रोल नंबर और मोबाइल नंबर को डालने के बाद जब वो लॉगिन होते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस उनको दिखाई देगा, और ओबीसी और जनरल वालों को फीस पेमेंट करने के बाद जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जिसमें फार्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वह सक्सेसफुल होने के बाद जो है प्रिंट आप इसको करके फ्यूचर यूज के लिए रख लें। इस तरह जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो है प्रिंट और क्लोज बटन का ऑप्शन देगा, प्रिंट करके आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रख लेना है। आप लोग जो फोटो अपलोड करेंगे उसका जो है गाइडलाइंस जो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने वीडियो में भी पहले बता दिया है, उसका आप लोग अच्छी तरह से अवलोकन करें। उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि अंकित, रंगीन फोटोग्राफ, जेपीजी इमेज जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए वैसा फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, मैंने पहले भी बता दिया था। तो इस तरह जो है मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रेलवे अप्रेंटिस BLW वाराणसी की नई भर्ती के बारे में बताया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेज वीडियो पोस्ट की जाती है वह आपको पल पल मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। साथ ही जो लोग यहाँ पर जो है तो BLW का जो है अप्रेंटिसशिप जो निकला है यहाँ का साइट बहुत ही बिजी है, सो आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है और आराम से फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए आप लोग को मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। मोबाइल से भरने के लिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड के में तीन डॉट बटन दिखाई देता है जिसमें आपको डेस्कटॉप साइट इनेबल करना होता है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद जो है आप लोग आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस वीडियो में जो भी जानकारी प्रोवाइड किया गया है उसका सारा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार का दिक्कत होता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।